हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान संगम क्लासेस। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया कैनेडियन लिटरेचर को डिटेल से। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ वर्ल्ड लिटरेचर, ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर। ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर के अंदर आपको याद रखना है कि आना मारिया बन का वर्क का नेम क्या था, ये याद रखना है। आना मारिया बन ने कौन सा वर्क लिखा है, ठीक है? द गार्डियन ए टेल, ठीक है? द गार्डियन ए टेल किसने लिखा है? आना मारिया बन ने लिखा है। इसका सब टाइटल क्या है? ए टेल। क्यों ये वर्क इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि ये फर्स्ट नोवेल है जो मेनलैंड ऑस्ट्रेलिया में पब्लिश होता है और खुद एक औरत के द्वारा लिखा जाता है। सिर्फ आपको क्या करना है, आना मारिया बन का जो मेन वर्क है उसका नाम याद रखना है। नाम है गार्डियन ए टेल। हेनरी सेवरी, हेनरी सेवरी क्या है, एक खुद एक कन्विक्ट था और इसे ऑस्ट्रेलियन फर्स्ट नोबलिस्ट भी माना जाता है। इसका वर्क है हेनरी सेवरी द हर्मिट इन वेन डायमंड्स लैंड। सिर्फ आपको नाम याद रखना है। इसके बाद आता है हमारा मार्क्स क्लार्क। इसका जो वर्क है उसका नाम याद रखना है क्योंकि नाम ही आपसे पहले पूछा जाएगा। इसके बाद नाम क्या है, फॉर द टर्म्स ऑफ हिज नेचुरल लाइफ। अगर बात की जाए इसके प्रोटेगोनिस्ट की तो उसका नाम भी आपको याद रखना है, रुफोस टेव्स। इसके अंदर क्या दिखाया गया है, इसके वर्क के थ्रू ये दिखाया गया है कि जो कॉन्विक्ट हैं उनकी लाइफ कैसी रहती है, उनकी लाइफ और उनके साथ कैसा इनह्यूमन ट्रीटमेंट किया जाता था और उनके जो रोजमर्रा की जो लाइफ है उनके अंदर वो कितना ज्यादा फेस करते हैं, ये सारी बातें जो कॉन्विक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से ये वर्क लिखा गया है पूरी तरह से क्या है, नोवेलाइजेशन ऑफ लाइफ एज ए कॉन्विक्ट। कॉन्विक्ट की जो लाइफ है उसके ऊपर बेस्ड एक वर्क है, ठीक है? सिर्फ आपको याद रखना है कि ये वर्क किसने लिखा है, दूसरा याद रखना है प्रोटेगोनिस्ट क्या है और तीसरा याद रखना है कि मेन थीम क्या है। नेक्स्ट है माइल्स फ्रैंकलिन। माइल्स फ्रैंकलिन मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। इन्होंने फेमिनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा है। अगर इनके वर्क्स की बात की जाए तो इनका वर्क का नाम है माय ब्रिलियंट कैरियर। डायरेक्ट आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि माइल्स फ्रैंकलिन का मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क कौन सा है, माय ब्रिलियंट कैरियर, और माय ब्रिलियंट कैरियर का सिक्वल कौन सा है, माय कैरियर गोज पंग, ठीक है? इसके अंदर क्या दिखाया गया है, जो मेन प्रोटेगोनिस्ट है वो है साइबिला मेलवियन, ठीक है? इसकी स्टोरी बताई गई है। ये एक इंडिपेंडेंट यंग वुमेन है। जैसे ही वह शादी के लायक होती है तो फैमिली के द्वारा इसको फोर्स किया जाता है कि ये शादी करे, लेकिन ये शादी और अपने कैरियर एज ए राइटर, वो एक अपना कैरियर परस्यूट करना चाहती है, ठीक है? तो वो शादी और कैरियर में अपने कैरियर को ही बनाना प्रेफर करती है। इसी दौरान वो दो सूटर्स भी होते हैं इसके, लेकिन वो इनको मना कर देती है। नॉवल के एंड में दिखाया जाता है कि वो उसने एक नॉवल लिखा है माई ब्रिलियंट कैरियर, ठीक है? वो उसे पब्लिश करवाने के लिए भेजती है। नॉवल में ये बिल्कुल भी क्लियर नहीं है कि जो ये वर्क है, ये जो वर्क है ये इसके एंड में ये नहीं दिखाया जाता है कि वो एक सक्सेसफुल राइटर बन भी पाती है या नहीं बन पाती है। तो माइल्स फ्रैंकलिन को आपको डिटेल से पढ़ना है, ठीक है? माइल्स फ्रैंकलिन को डिटेल से पढ़ना है। इसके साथ साथ आपको याद रखना है कि इसका सिक्वल क्या है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट राइटर आता है बेंजो पैटरसन। बेंजो पैटरसन को याद रखना है कि एक ऑस्ट्रेलियन बुश पोइट है। इसके वर्क कौन से है, क्लेंसी ऑफ ओवरफ्लो, द मैन फ्रॉम स्नोवी रिवर, वोल्जिंग मैटिल्डा, जो मैंने अंडरलाइन किया है। ये एक अनऑफिशियल नेशनल एंथम भी माना जाता है ऑस्ट्रेलिया का, तो इसका सिर्फ नाम याद रखना है, सिर्फ मैच करना आएगा बेंजो पैटरसन ने कौन सा मोस्ट इंपोर्टेंट वर्क लिखा है, द वोल्जिंग मैटिल्डा। इसके बाद आता है आपका हेनरी लोसन। हेनरी लोसन भी एक प्रकार से बुश पोइट है। इसके साथ साथ ये शॉर्ट स्टोरी राइटर भी है। इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट स्टोरी है डोवर वाइफ। डोवर वाइफ जो है वो क्या दिखाती है, वो ये इट रिकाउंट्स द स्टोरी ऑफ आउटबैक वोमन लेफ्ट अलोन। एक अकेली औरत है, वो अपने चार बच्चों को कैसे पालती है, वो स्ट्रगल और एक स्ट्रगल उसका नेचर के साथ जो फेस करती है अपने बच्चों को पालने में, वो दिखाया गया है। इसके अंदर दिखाया जाता है स्टोरी के अंदर कि एक बार एक स्नेक निकल आता है तो कैसे वह अपने बच्चों को उस स्नेक से बचाती है, तो उसका जो स्ट्रगल है नेचर के साथ वो भी दिखाया गया है। अगला है डेविड मेलो। डेविड मेलो के अंदर आपको क्या याद रखना है कि जो रिमेम्बरिंग बेबीलोन है ये वर्क है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट वर्क है रिमेम्बरिंग बेबीलोन। इसमें क्या दिखाया गया है, इसके अंदर बताया गया है कि एक इंग्लिश बॉय है जेमी फेयरले, वो किसी फॉरेन आइलैंड के अंदर मिलता है,
ठीक है, वो किसी अब ओरिजिनल्स के द्वारा पाला जाता है, बहुत साल लौटने के बाद वह फिर से अपने यूरोपियन फैमिली है वहां पर जाता है, तो उसे आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाता है कि वो अपने आप को किस किस वे से इंटरप्रेट करे। तो ये सारी बातें जो है डेविड मेलोफ ने इसमें दिखाई गई हैं। आपको ये वर्क याद रखना है कि रिमेम्बरिंग बेबीलोन वर्क किसके द्वारा लिखा गया है और इसकी स्टोरी क्या है, इसकी स्टोरी को डिटेल से पढ़ना है। इसके बाद आता है किम्स कोट। किम्स कोट का जो वर्क है द डेड मैन डांस, सिर्फ आपको नाम याद रखना है। रिचर्ड फ्लैगमैन द डेरो रोड टू डीप नोट, सिर्फ नाम याद रखना है। इसके बाद आता है एडी होप। एडी होप भी एक पोइट है। ये जो है इसका जो वंडरिंग आइलैंड है पोइट्री कलेक्शन है, नाम जरूर याद रखना, मैच करना आएगा अगर एडी होप की बात की जाए तो। वर्डरिंग आइलैंड्स जो है इसका पोइट्री कलेक्शन है। इसके बाद आता है जुडिथ राइट। जुडिथ राइट भी ऑस्ट्रेलियन पोइट है। इसने कौन कौन से पोइट्री कलेक्शंस लिखे हैं, पहला है द मूविंग इमेज, वोमेन टू मैन, बर्ड्स, सब टाइटल है पोएम्स। सिर्फ आपको इनके पोइट्री कलेक्शंस के नाम याद होने चाहिए जुडिथ राइट के। इसके बाद आता है थॉमस केनेली। थॉमस केनेली का स्किंडर्स आर्क जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क है, बुकर प्राइज भी मिला है, एक हिस्टोरिकल फिक्शन है, और सिर्फ आपको नाम याद रखना है, स्टोरी को एक बार जनरल रीडिंग देना मोर देन एनएफ है। तो आज हमने ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर के कुछ मेजर इंपॉर्टेंट राइटर्स को किया। इसके बाद हम जो मोस्ट इम्पोर्टेंट राइटर हैं, दो राइटर्स मोस्ट इम्पोर्टेंट राइटर हैं जहां से क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है और नेट में भी पूछा गया है, उनको करेंगे। एक तो पैट्रिक व्हाइट है और दूसरा पीटर कैरी। जो मैंने आपको आज बताए हैं राइटर्स, जितना मैंने बताया है मोर देन एनफ है। पैट्रिक व्हाइट को आपको डिटेल से करना है, पीटर कैरी को भी डिटेल से करना है। तो आगे आने वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पैट्रिक व्हाइट को और पीटर कैरी को। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।